हरियाणा में गुरुग्राम दिल्ली एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह लोहे की सरियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से एक तेज रफ्तार कार घुस गई। वहीं हादसे में कार में सवार दो लोगों के शरीर में सरिया आर पार हो गए, घायल में पैच, वहीं घायलों में एक महिला भी शामिल है। हादसे में घायल तीन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली से गुरुग्राम लोहे की सरिया से लदी एक ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही थी, वहीं हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। राहगीरों ने घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद कार से बाहर निकाला और निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं हादसे के बाद से आरोपी ट्रैक्टर ट्रॉली चालक भी मौके से फरार है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली और कार को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं अभी तक घायलों की पहचान नहीं हो पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।